इस समय मैं दिल्ली के खारी बावली बाज़ार में मौजूद हूं और जिस तरीके से लगातार हम बाज़ारों को कवर कर रहे हैं, आज हमने लाल सूखी मिर्च जो है उसके भाव को जानने में और उसके बाज़ार को लेकर के क्या उसमें तेज़ी है, क्या उसमें मंदी है, खास बातचीत की है लोगों से और जानने की कोशिश की है कि जो लाल मिर्च है वो कितने प्रकार की होती है और कहाँ से आती है और उसका जो एक्सपोर्ट है वो कहाँ पर किया जाता है और इस वक्त जो है आज की तारीख में क्या उसका भाव चल रहा है और उसका बाज़ार कैसा है, वही सब जब हमने यहाँ पर व्यापारियों से जानने की कोशिश की जो थोक विक्रेता हैं गड़ोदिया जो मार्केट है फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ एक बड़ी संख्या में लाल मिर्च का जो है व्यापार होता है और व्यापारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। व्यापारियों का यहाँ पर यह कहना है कि पिछले जो महीने हैं, अगर पिछले महीने हम भाव की बात करें तो पिछले महीने लाल मिर्च का भाव था 240 रुपए किलो, लेकिन आज का जो भाव है इस महीने का, अगर आज की तारीख का बात करें, 26 तारीख की जो आज तारीख है, अगर इस तारीख की बात करें तो आज का भाव 210 और 215 के बीच में है। कारण जब हमने जानने की कोशिश की तो कारण उसका ये बताया उन्होंने कि एक तो बाज़ार के अंदर एक बड़ी मात्रा में अच्छी तादाद में सूखी मिर्च जो है वो मौजूद है जिसका जो है एक्सपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में जो है भारत से विदेश जाती थी लाल मिर्च, जो इस बार जो है बाहर विदेश नहीं जा पाई है, जैसे चाइना या इंडोनेशिया जैसे देशों में मिर्च जो है यहाँ से वहाँ पर एक्सपोर्ट होती थी, तो एक्सपोर्ट जो है इस बार नहीं हुआ है बड़ी मात्रा में, जैसा कि बताया दुकानदारों ने यहाँ पर व्यापारियों ने, और सेल जो है एक वजह सेल की बताई है कि इस बार जो है बाज़ार के अंदर सेल नहीं है, जिसकी वजह से सभी व्यापारी मद्दे की मार झेलने के लिए मजबूर हैं। हमने और भी जानने की कोशिश की कि जैसे जो मिर्च है, जैसे और दूसरी चीज़ों का जो भाव है वो बढ़ता चढ़ता रहता है, घटता बढ़ता है, व्यापारियों से जानने की कोशिश की कि जो मिर्च का अगर भाव है तो इसमें कितनी तेज़ी आती है, कितनी मंदी आती है, तो उन्होंने बताया कि इसका सामान्य ही भाव रहता है साल के 12 महीने, क्योंकि ये लगातार इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है, तो इसलिए इसके भाव में ना तो ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिलती है ना ही ज़्यादा तेज़ी, तो एक ही सामान्य भाव रहता है इसका। लेकिन इन दिनों जो है इस बार जो है मंदी की मार जो है वो ज़्यादा है, व्यापारियों का कहना यह है, क्योंकि बाहर का व्यापारी नहीं है। दूसरी चीज़ हमने ये जानने की कोशिश की कि जैसे किन किन राज्यों से जो है यहाँ पर मिर्च आती है और कितनी किस्म इसकी होती हैं, तो व्यापारियों ने यहाँ पर बताया कि जैसे खम्मम घंटूर से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, पंजाब से, यूपी में बरेली से, इन जगहों से जो है यहाँ पर मिर्च आती है, तो और मिर्च की कई तरह की वैरायटी होती हैं, कई तरह की जो किस्म इसमें मिर्च की होती है, जैसे एक अगर वैरायटी का नाम लिया जाए तो एक तेजा मिर्च होती है, वो इसकी एक वैरायटी है तेजा, और अगर इसमें हम फसल की बात करें तो एक फसल में तीन वैरायटी तैयार होती हैं, जैसे एक फर्स्ट क्वालिटी होती है, एक सेकेंड होती है, एक थर्ड होती है, थर्ड जो है उसको सूखा पत्ता बोला जाता है, तो थर्ड क्वालिटी जो है वो तीसरी किस्म इसकी मानी जाती है जिसको सूखा पत्ता बोलते हैं, वो थर्ड क्लास की जो है थर्ड क्वालिटी की मिर्च होती है, क्योंकि जो किसान है जब मिर्च को बनाता है और तोड़ता है तो उसमें से उसकी जो फर्स्ट क्वालिटी की जो पहचान है जो उसमें देखी जाती है फर्स्ट क्वालिटी में, मिर्च का सुर्खपन, जो उस जो लाल मिर्च होती है और उसका खाने में तीखापन, ये दोनों चीज़ें उसकी देखी जाती हैं, तभी जो है इसको फर्स्ट क्वालिटी का माल माना जाता है और एक अच्छी क्वालिटी इसकी मानी जाती है। सेकंड क्वालिटी की अगर बात करें तो इसमें सेकंड क्वालिटी ये आ जाती है कि जो खेती के टाइम पर जब मिर्च को तोड़ करके सुखाया जाता है तो उसमें कुछ मिर्च में कीड़ा लग जाता है या जो टूट जाती हैं या बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके की जो मिर्च होती है वो सेकंड क्वालिटी में आती है, तो उसके भाव में भी जो है वो फ़र्क रहता है। एक चीज़ और इसमें ख़ास है जिसको फुल मिर्च बोलते हैं, एक तो होती है कि डंठल के साथ में मिर्च होती है और एक फुल कट होती है, जिसका डंठल टूटा हुआ होता है उसको फुल कट बोला जाता है, तो फुल कट और डंठल वाली जो मिर्च है जिसके साथ में डंठल लगा हुआ होता है यानी कंप्लीट जो मिर्च होती है, दोनों के भावों में और दोनों के दामों में जो है ये फ़र्क होता है, तो ये क्वालिटी और वैरायटी के हिसाब से इसके भाव बाज़ार में जो है वो तय किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से व्यापारियों ने बताया है यहाँ पर के इन दिनों इस बार जो है मिर्च का व्यापारी इस वक्त मद्दे की मार झेल रहा है, बाज़ार में
मिर्च अच्छी मात्रा में मौजूद है जिसका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है और व्यापारी भी बाहर का नहीं आ पा रहा है। तो ये सब तमाम जानकारियां हमने यहां पर जो मिर्च का व्यापार करने वाले लोग हैं, थोक विक्रेता हैं या एक्सपोर्टर हैं या इम्पोर्टर हैं, उन तमाम लोगों से हमने यहां पर बात करने की कोशिश की है। उन्होंने ये जानकारी हमें दी है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप अपनी इस खबर पर क्या अपनी राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही और अपडेट जानने के लिए, खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को मार्केट टाइम्स TV को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। दिल्ली से मार्केट टाइम्स TV के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।